जय भीम। मैं आज का जो लाइव है वो गोरखपुर की जनता के लिए और मेरा प्रयास ये रहा है कि जब से मैं गोरखपुर आया हूँ कि जितना ज़्यादा जगह पर हो सका मैं पहुँच पाया। तो आज का लाइव जब शुरू करते हैं तो उससे पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए आज 1 मार्च है। 1 मार्च को ही चमार रेजिमेंट की स्थापना हुई थी 1943 में। आप सबको उस रेजिमेंट की भी बधाई। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहा है। मैं कल भी लाइव आऊंगा जो हमारे प्रत्याशी उनके पक्ष में अपील करूंगा। लेकिन मेरा आज का लाइव जो है वो गोरखपुर की जनता के लिए, क्योंकि गोरखपुर में चुनाव है और 322 सदर गोरखपुर से मैं आपका प्रत्याशी हूं। लगातार मेरा प्रयास रहा कि सभी गली बस्तियों में सभी बूथ और वार्डों तक हम लोग पहुंच जाएं, शहर के और गांव के जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें। लेकिन क्योंकि विधानसभा क्षेत्र नया था और परिसीमन में भी थोड़ी तब्दीली हुई है, इसलिए मुझे लगता मैं सब जगह नहीं पहुंच पाया। तो मेरी आपसे अपील है कि मैं चंद्रशेखर आजाद गोरखपुर सदर में आपका प्रत्याशी और आपसे मदद चाहता हूं कि आप गोरखपुर में मेरी मदद कराएं। आपका जो बहुजन समाज के भी लोग पूरे देश में रहते हैं, अगर उनके परिवार से जुड़ा कोई व्यक्ति, उनका दोस्त साथी अगर गोरखपुर सदर में रहता हो तो मेरी उनसे भी अपील है कि आप दूर रह के भी मेरी मदद कर सकते हैं। आप दूर रह के भी मेरी मदद कर सकते हैं कि अपने दोस्त साथी रिश्तेदार को ये सूचना पहुंचाएं कि वो गोरखपुर सदर में अगर रहते हैं तो वो आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को केतली चुनाव चिन्ह पर वोट करें। क्योंकि ये लाइव 8:30 बजे का था, समय कमी कारण जो है मैं टाइम से अवेलेबल नहीं हो पाया। मुझे इस बात का खेद है, माफी चाहता हूँ, मगर क्या करूँ क्योंकि काम ज़्यादा है और ऊपर से गोरखपुर में तानाशाही भी जो है बेनता जा रही है। इसी तानाशाही सामंतवाद के खिलाफ हमारा आंदोलन है। मैंने पिछले 6 साल पूरी ईमानदारी से इस लड़ाई को लड़ा है और व्यक्तिगत रूप से पहली बार मैं वोट मांगने के लिए, अपने लिए वोट मांगने के लिए मैदान में आया। मेरा ये प्रयास रहा हमेशा कि पूरे देश में अगर कहीं भी शोषित वंचित वर्ग के लोगों के साथ अन्याचार हुआ या वहां की सरकार द्वारा जो संवैधानिक अधिकार उनके खिलाफ कोई कोई कुठाराघात किया गया हो या कोई भी अन्याय जो असंवैधानिक को किया गया, तो मैंने हमेशा प्रयास किया कि बढ़ चढ़ के उस आंदोलन में हिस्सा लिया। ऐसे सैकड़ों आंदोलन हैं जिसके मैं खुद व्यक्तिगत रूप से जिसमें हिस्सेदार रहा और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी लगातार पूरे देश में अन्याय अत्याचार के खिलाफ जो आंदोलन चलता है, जो संघर्ष होता है न्याय दिलाने के लिए, उसमें मदद की। तो पूरे देश में रहने वाले बहुजन समाज के लोगों से भी मैं अपील कर रहा हूं कि अगर गोरखपुर सदर में उनका कोई दोस्त रिश्तेदार साथी या उन लोगों से भी जो योगी आदित्यनाथ के, जो बहुजन समाज का हिस्सा नहीं है लेकिन योगी आदित्यनाथ के अन्याय से परेशान, जो चाहते हैं कि इस गुंडा राज से, इस तानाशाही से, इस सामंतशाही से मुक्ति मिले, जहां कोई सुनवाई नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, गोरखपुर में क्या है वो उसके बारे में आपको दिखाता रहा। लेकिन मैं अपील आपसे इसलिए कर रहा हूं कि वोट देने से चुनाव नहीं जीता, वोट दिलवानी पड़ती है। तो जो लोग मुझे वोट करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कल का दिन वो 1-1 घंटा मेरे लिए जरूर निकाले और अपने दोस्त साथी रिश्तेदार अपने पड़ोसी को कन्विंस करें कि वो गोरखपुर सदर में आजाद समाज पार्टी को वोट करके एक नया इतिहास लिखें, अन्याय अत्याचार सामंतवाद के खिलाफ, लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ, भारतीय संविधान के लिए एक नया इतिहास लिखें गोरखपुर में,
जिससे कि दोबारा कोई तानाशाही और सामंतशाही जो है इस लोकतंत्र में ना कर पाए, इसकी हत्या ना कर पाए। तो मैं चंद्रशेखर आजाद एक बार फिर सुबह अपील करूंगा, क्योंकि अब बहुत सारे लोग सो चुके हैं, बात नहीं हो पाई है, बहुत सारे लोग इसको देख लेंगे, लेकिन कल फिर मैं अपील करूंगा सुबह। और मेरा प्रयास है कि ज्यादा लोगों तक हम पहुंच पाएं, क्योंकि कोई बड़ा टीवी चैनल्स वगैरह हम लगातार रोड पे प्रचार करते रहे, लगातार घूमते रहे, वो सब लोग नहीं दिखा पाए। उनकी कुछ सीमाएं, कुछ समस्याएं, कुछ उनके साथ जो है ऊपरी आदेश और तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन हमने लगातार यहाँ पिछले 10 दिन से डेरा डाल के गली गली काम किया है। और जहां जहां तक हम लोग प्रयास के पहुंच पाए, जहां नहीं पहुंच पाए वहां के लोग भी नाराज ना हों, क्योंकि मैं गोरखपुर नहीं छोड़ने वाला। मैं तो लगातार गोरखपुर या कुशीनगर में मकान बना के आने वाले समय में रहूंगा। मैं तो आपसे नेता नहीं, बेटा बन के, वोट नहीं, आपके प्यार विश्वास को जीतने, आपको दिल को जीतने और आपका आपके दुख का, इस लड़ाई का भागीदार बनने। और मैं जब गोरखपुर में जाता हूँ, बस्तियों में जाता हूँ, गलियों में जाता हूँ, जो हाल देखता हूँ, और यहाँ के जो प्राइमरी स्कूल हैं उनके हाल देखता हूँ, ताले लगे हुए हैं, गरीबों के जब दुख दर्द देखता हूँ, उनकी समस्याएं सुनता हूँ, तो बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन बिना राजनीतिक शक्ति के मैं कुछ बड़ा परिवर्तन उनके लिए नहीं कर पा रहा हूँ। भाई एक टाइम का खाना और ये सब चीज़ें तो अवेलेबल हो सकती हैं, लेकिन लंबे समय के लिए परिवर्तन हो और वो अपने पैरों पर खड़े हो, उसके लिए राजनीतिक शक्ति की जरूरत है। तो मैं आपसे अपील करूंगा कल शाम में अपने प्रत्याशियों के, जो गठबंधन के प्रत्याशी, उनके समर्थन में, जो हमारे मोर्चा के प्रत्याशी, उनके उनके संबंध में, और कल सुबह अपने लिए एक और बार गोरखपुर की जनता से अपील करूंगा, क्योंकि इस अन्याय के खिलाफ अगर आप नहीं खड़े होते हैं तो ये अन्याय बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और वो जो आज जिस तरह का कार्य कर रहे हैं कि जमीन कब्जा, गरीब की जो दुकानें तोड़, निर्दोष लोगों पर बुलडोजर चला, झूठे मुकदमे लगा, राशुका लगा, उन सब का जवाब आपको देना ही पड़ेगा। अब सबको पता है कि चुनाव जो है ये गोरखपुर का जो सदर का चुनाव, ये योगी आदित्यनाथ और हमारे बीच, तो आप अपनी वोट ना खराब करें। मेरी आपसे ये भी अपील है कि वोट ना खराब करें। एक तरफ अन्याय अत्याचार करने वाला क्रूर शासक है तानाशाह, और एक तरफ भारत का बेटा है जो अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ रहा है। जिस तरह से भाजपा ने सरकारी सिस्टम बेच के नौजवानों की तरह के लिए रोजगार के रास्ते बंद किए हैं, कोरोना काल में जब उनकी जरूरत थी तो वो बिहार और बंगाल घूम रहे थे, वो तमाम तरह की परेशानियां जो आपकी जिंदगी में आई, आपने अपनों को खोया। आज मेरी चर्चा हो रही तो ऐसा नहीं कि कोरोना काल में लोगों ने अपने लोगों को नहीं खोया, अपने परिवारजनों को नहीं खोया, लेकिन कोई बोल नहीं पा रहा। इस अन्याय का प्रतिकार करने का, इस अन्याय को जवाब देने का अवसर आप पे 3 तारीख को है। 3 तारीख का दिन है केतली चुनाव चिन्ह। मेरी आपसे अपील है कि सामंतवाद और तानाशाही को वोट के जरिए जवाब देके इस लोकतंत्र में अपनी शक्ति इन ताकतवर लोगों को दिखाएं। एक एक वोट कीमती है। जो साथी वोट दे रहे हैं उनसे अपील है कि वो कल के दिन में एक एक घंटा निकाल के अपने और साथियों को भी तैयार करें। यही आपका प्यार विश्वास और यही मेरे आंदोलन, मेरे संघर्ष को बल देने का समय आपके पास है। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि मेरी मदद कराएं, जिससे कि मैं इस लड़ाई को जीत सकूं, और आगे भी आपके आवाज लगातार उठाने का काम मैं करता रहूंगा। कल फिर सुबह एक बार अपील करूंगा आपसे, सब सभी से मंगल कामनाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र। और आप सब लोग वोट का प्रयोग जरूर करें, हम लोग अपने वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाएं। एक एक वोट कीमती है। तो ऐसा ना हो कि आप सोचें कि चले मैं तो दे आऊं लेकिन परिवार के लोग नहीं भी दे रहे तो क्या फर्क पड़ता है। जो भी बाहर हैं लोग, पूरे उत्तर प्रदेश में जो यहाँ गोरखपुर से सदर के लोग इधर उधर रह रहे हैं, उनसे भी अपील करूंगा कि वो भी आए, वो भी आकर पहुंच कर अपनी वोट जरूर दें, अपनी वोट का प्रयोग जरूर करें और चयन करें कि इस गुलामी की बेड़ियों को, जो गुलामी की बेड़िया से जकड़ा हुआ है गोरखपुर, अन्याय अत्याचार शोषण से जकड़ा हुआ है, उसको जवाब देने के लिए अपने भाई, अपने बेटे, अपने दोस्त की मदद कराएं। धन्यवाद। जय भीम। जय भीम। मैं आज का जो लाइव है वो गोरखपुर की जनता के लिए, और
मेरा प्रयास ये रहा है कि जब से मैं गोरखपुर आया हूँ कि जितना ज्यादा जगह पर हो सका मैं पहुंच पाया। तो आज का लाइव जब शुरू करते हैं तो उससे पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए आज 1 मार्च है। 1 मार्च को ही चमार रेजिमेंट की स्थापना हुई थी 1943 में। आप सबको उस रेजिमेंट की भी बधाई। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहा है, मैं कल भी लाइव आऊंगा, जो हमारे प्रत्याशी उनके पक्ष में अपील करूंगा। लेकिन मेरा आज का लाइव जो है वो गोरखपुर की जनता के लिए, क्योंकि गोरखपुर में चुनाव है और 322 सदर गोरखपुर से मैं आपका प्रत्याशी हूं। लगातार मेरा प्रयास रहा कि सभी गली बस्तियों में, सभी बूथ और वार्डों तक हम लोग पहुंच जाएं, शहर के और गांव के जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें। लेकिन क्योंकि विधानसभा क्षेत्र नया था और परिसीमन में भी थोड़ी तब्दीली हुई है, इसलिए मुझे लगता मैं सब जगह नहीं पहुंच पाया। तो मेरी आपसे अपील है कि मैं चंद्रशेखर आजाद गोरखपुर सदर में आपका प्रत्याशी और आपसे मदद चाहता हूं कि आप गोरखपुर में मेरी मदद कराएं। आपका जो बहुजन समाज के भी लोग पूरे देश में रहते हैं, अगर उनके परिवार से जुड़ा कोई व्यक्ति, उनका दोस्त साथी अगर गोरखपुर सदर में रहता हो तो मेरी उनसे भी अपील है कि आप दूर रह के भी मेरी मदद कर सकते हैं। आप दूर रह के भी मेरी मदद कर सकते हैं कि अपने दोस्त साथी रिश्तेदार को ये सूचना पहुंचाएं कि वो गोरखपुर सदर में अगर रहते हैं तो वो आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को केतली चुनाव चिन्ह पर वोट करें। क्योंकि ये लाइव 8:30 बजे का था, समय कमी कारण जो है मैं टाइम से अवेलेबल नहीं हो पाया, मुझे इस बात का खेद है, माफी चाहता हूं, मगर क्या करूं क्योंकि काम ज्यादा है और ऊपर से गोरखपुर में तानाशाही भी जो है बेनता जारी। इसी तानाशाही सामंतवाद के खिलाफ हमारा आंदोलन है। मैंने पिछले 6 साल पूरी ईमानदारी से इस लड़ाई को लड़ा है और व्यक्तिगत रूप से पहली बार मैं वोट मांगने के लिए, अपने लिए वोट मांगने के लिए मैदान में आया। मेरा ये प्रयास रहा हमेशा कि पूरे देश में अगर कहीं भी शोषित वंचित वर्ग के लोगों के साथ अन्याचार हुआ या वहां की सरकार द्वारा जो संवैधानिक अधिकार उनके खिलाफ कोई कुठाराघात किया गया हो या कोई भी अन्याय जो असंवैधानिक है वो किया गया, तो मैंने हमेशा प्रयास किया कि बढ़ चढ़ के उस आंदोलन में हिस्सा लिया। ऐसे सैकड़ों आंदोलन है जिसके मैं खुद व्यक्तिगत रूप से जिसमें हिस्सेदार रहा और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी लगातार पूरे देश में अन्याय अत्याचार के खिलाफ जो आंदोलन चलता है, जो संघर्ष होता है न्याय दिलाने के लिए, उसमें मदद की। तो पूरे देश में रहने वाले बहुजन समाज के लोगों से भी मैं अपील कर रहा हूं कि अगर गोरखपुर सदर में उनका कोई दोस्त रिश्तेदार साथी या उन लोगों से भी जो योगी आदित्यनाथ के, जो बहुजन समाज का हिस्सा नहीं है लेकिन योगी आदित्यनाथ के अन्याय से परेशान, जो चाहते हैं कि इस गुंडा राज से, इस तानाशाही से, इस सामंतशाही से मुक्ति मिले, जहां कोई सुनवाई नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, गोरखपुर में क्या है वो उसके बारे में आपको दिखाता रहा। लेकिन मैं अपील आपसे इसलिए कर रहा हूं कि वोट देने से चुनाव नहीं जीता, वोट दिलवानी पड़ती है। तो जो लोग मुझे वोट करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कल का दिन वो 1-1 घंटा मेरे लिए जरूर निकाले और अपने दोस्त साथी रिश्तेदार अपने पड़ोसी को कन्विंस करें कि वो गोरखपुर सदर में आजाद समाज पार्टी को वोट करके एक नया इतिहास लिखें, अन्याय अत्याचार सामंतवाद के खिलाफ, लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ, भारतीय संविधान के लिए एक नया इतिहास लिखें गोरखपुर में, जिससे कि दोबारा कोई तानाशाही और सामंतशाही जो है इस लोकतंत्र में ना कर पाए, इसकी हत्या ना कर पाए। तो मैं चंद्रशेखर आजाद एक बार फिर सुबह अपील करूंगा, क्योंकि अब बहुत सारे लोग सो चुके हैं, बात नहीं हो पाई है, बहुत सारे लोग इसको देख लेंगे, लेकिन कल फिर मैं अपील करूंगा सुबह
और मेरा प्रयास है कि ज्यादा लोगों तक हम पहुंच पाए, क्योंकि कोई बड़ा टीवी चैनल्स वगैरह हम लगातार रोड पे प्रचार करते रहे, लगातार घूमते रहे, वो सब लोग नहीं दिखा पाए। उनकी कुछ सीमाएं, कुछ समस्याएं, कुछ उनके साथ जो है ऊपरी आदेश और तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन हमने लगातार यहाँ पिछले 10 दिन से डेरा डाल के गली गली काम किया है। और जहाँ जहाँ तक हम लोग प्रयास के पहुँच पाए, जहाँ नहीं पहुँच पाए वहाँ के लोग भी नाराज ना हों, क्योंकि मैं गोरखपुर नहीं छोड़ने वाला। मैं तो लगातार गोरखपुर या कुशीनगर में मकान बना के आने वाले समय में रहूंगा। मैं तो आपसे नेता नहीं, बेटा बन के, वोट नहीं, आपके प्यार विश्वास को जीतने, आपको दिल को जीतने, और आपकी दुख का, इस लड़ाई का भागीदार बनने। और मैं जब गोरखपुर में जाता हूँ, बस्तियों में जाता हूँ, गलियों में जाता हूँ, जो हाल देखता हूँ, और यहाँ के जो प्राइमरी स्कूल हैं उनके हाल देखता हूँ, ताले लगे हुए हैं, गरीबों के जब दुख दर्द देखता हूँ, उनकी समस्याएं सुनता हूँ, तो बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन बिना राजनीतिक शक्ति के मैं कुछ बड़ा परिवर्तन उनके लिए नहीं कर पा रहा हूँ। भाई, एक टाइम का खाना और ये सब चीज़ें तो अवेलेबल हो सकती हैं, लेकिन लंबे समय के लिए परिवर्तन हो और वो अपने पैरों पर खड़े, उसके लिए राजनीतिक शक्ति की जरूरत है। तो मैं आपसे अपील करूंगा, कल शाम में अपने प्रत्याशियों के, जो गठबंधन के प्रत्याशी, उनके समर्थन में, जो हमारे मोर्चा के प्रत्याशी, उनके उनके संबंध में, और कल सुबह अपने लिए एक और बार गोरखपुर की जनता से अपील करूंगा, क्योंकि इस अन्याय के खिलाफ अगर आप नहीं खड़े होते हैं तो ये अन्याय बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और वो जो आज जिस तरह का कार्य कर रहे हैं कि जमीन कब्जा, गरीब की जो दुकानें तोड़, निर्दोष लोगों पर बुलडोजर चला, झूठे मुकदमे लगा, राशुका लगा, उन सब का जवाब आपको देना ही पड़ेगा। आप सबको बताया कि चुनाव गोरखना जो है, ये गोरखपुर का जो सदर का चुनाव, ये योगी आदित्यनाथ और हमारे बीच, तो आप अपनी वोट ना खराब करें। मेरी आपसे ये भी अपील है कि वोट ना खराब करें। एक तरफ अन्याय अत्याचार करने वाला क्रूर शासक है, तानाशाह, और एक तरफ भारत का बेटा है जो अन्याय अत्याचार खिलाफ लड़ रहा है। जिस तरह से भाजपा ने सरकारी सिस्टम बेच के नौजवानों की तरह के लिए रोजगार के रास्ते बंद किए हैं, कोरोना काल में जब उनकी जरूरत थी तो वो बिहार और बंगाल घूम रहे थे, वो तमाम तरह की परेशानियां जो आपकी जिंदगी में आई, आपने अपनों को खोया। आज मेरी चर्चा हो रही, तो ऐसा नहीं कि कोरोना काल में लोगों ने अपने लोगों को नहीं खोया, अपने परिवारजनों को नहीं खोया, लेकिन कोई बोल नहीं पा रहा है। इस अन्याय का प्रतिकार करने का, इस अन्याय को जवाब देने का अवसर आप पे 3 तारीख को है। 3 तारीख का दिन है, केतली चुनाव चिन्ह। मेरी आपसे अपील है कि सामंतवाद और तानाशाही को वोट के जरिए जवाब देके इस लोकतंत्र में अपनी शक्ति इन ताकतवर लोगों को दिखाएं। एक एक वोट कीमती है। जो साथी वोट दे रहे हैं उनसे अपील है कि वो कल के दिन में 1 घंटा निकाल के अपने और साथियों को भी तैयार करें। यही आपका प्यार विश्वास और यही मेरे आंदोलन, मेरे संघर्ष को बल देने का समय आपके पास है। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि मेरी मदद कराएं, जिससे कि मैं इस लड़ाई को जीत सकूं, और आगे भी आपकी आवाज लगातार उठाने का काम मैं करता रहूंगा। कल फिर सुबह एक बार अपील करूंगा आपसे, सब सभी से मंगल कामनाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र। और आप सब लोग वोट का प्रयोग जरूर करें, हम लोग अपने वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाएं। एक एक वोट कीमती है। तो ऐसा ना हो कि आप सोचें कि चले मैं तो दे आऊं, लेकिन परिवार के लोग नहीं भी दे रहे तो क्या फर्क पड़ता है। जो भी बाहर हैं लोग, पूरे उत्तर प्रदेश में जो यहाँ गोरखपुर से सदर के लोग इधर उधर रह रहे हैं, उनसे भी अपील करूंगा कि वो भी आए, वो भी आकर पहुंच कर अपनी वोट जरूर दें, अपनी वोट का प्रयोग जरूर करें और चयन करें कि इस गुलामी की बेड़ियों को, जो गुलामी की बेड़िया से जकड़ा हुआ है गोरखपुर, अन्याय अत्याचार शोषण से जकड़ा हुआ है, उसको जवाब देने के लिए अपने भाई, अपने बेटे, अपने दोस्त की मदद कराएं। धन्यवाद। जय भीम।